Hello friends, and welcome back to my channel. Before going ahead with the topic of today, I would like to thank everyone जिन्होंने ये फैमिली को ग्रो किया है, इसको सब्सक्राइब करके एंड इतना विश्वास जताया है कि आप सब्सक्राइब करके ये बताते हैं कि आपको कुछ तो चीज़ हैं जो टॉपिक्स हैं जो अच्छे लग रहे हैं और आपकी मदद कर रहे हैं. एंड हेयर आई एम बिकॉज टू हेल्प यू पीपल एज वेल. तो इसके लिए थैंक यू सो मच एंड होप कि मेरे वीडियोस आप सभी के काम आ सकें और इसको जितना हो सके आप शेयर करिए. अगर कुछ क्वेरीज है आप प्लीज़ उसमें कमेंट करके मुझे बताइए, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा वापस आपको आंसर करने की कोशिश करूँगी. सो विद डैट नोट, विद थैंक्स लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ टुडे. आजकल देखा जा रहा है बहुत सारे बच्चों में ये चीज़ें कि डिले हो रहा है स्पीच का, स्पीच डिले हो रहा है एंड सम ऑफ दी लाइक डिसऑर्डर्स हैज़ बीन फाउंड. तो वो एक्चुअली क्या है क्या नहीं होता, अगर आपको डरना चाहिए स्पीच डिले है बच्चों में या फिर एक्चुअली इट इज़ अ साइन रेड फ्लैग है कि मे बी बच्चा ऑटिस्टिक हो सकता है, तो कैसे पता चलेगा. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ऑटिज़म, बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा ऑटिज़म अवेयरनेस के बारे में बात हो रही है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अ पेरेंट टू नो कि ऑटिज़म क्या होता है. जब हम जानेंगे तभी हम अपने बच्चों को अच्छे से उसका क्योर कर सकते हैं. एंड नेवर लूज होप, दैट इज़ वन ऑफ द लाइक यू नो मेन क्राइटेरिया ऑफ एनीथिंग. इवन कैंसर पेशेंट, एड्स के पेशेंट भी ठीक हो जाते हैं. तो ऑटिज्म इट जस्ट एन डिसऑर्डर, नॉट अ बिग डिजीज. ओके, सो विद डैट नोट आई जस्ट स्टार्ट विद वॉट इज ऑटिज्म ऑल अबाउट. ऑटिज्म इज एन डिसऑर्डर, इट्स अ डिसऑर्डर विच कैन बी लाइक यू नो लोग जिसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं अर्ली चाइल्डहुड में ही. वो 1.5 साल से 3 साल से 4 साल तक बच्चे में आइडेंटिफाई हो जाता है, क्योंकि उसके सिम्टम क्या हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ. उसका सिम्टम फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चे आई कांटेक्ट प्रॉपरली नहीं करते हैं. जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं आपको पता चलेगा आपका बच्चा बात नहीं कर रहा है, डैट इज़ ओके, बट वो आई कांटेक्ट से बच रहा है, वो नहीं करता है किसी से भी आई कांटेक्ट. वो सेकेंड थिंग इज वो फ्लैपिंग ऑफ हैंड्स या फिर कोई भी मूवमेंट वो बार बार कर रहा है, या फिर वो साथ ही साथ उसका कम्युनिकेशन वो सबसे मिंगल अप नहीं होना चाहता है. आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट देयर इमोशंस. कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट वर्बल, सिर्फ वो बात करने में ही प्रॉब्लम नहीं आता है, उनको इमोशन नहीं दिखाना आता. उनके इमोशंस इमोशनलेस बोल सकते हैं बच्चे वैसे होते हैं. मे बी उनको क्योंकि समझ में नहीं आता कि कौन सा इमोशन कहाँ पुट फॉरवर्ड करें. तो वो एक सिम्टम है, एक रेड सिग्नल है कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक हो सकता है. सो गो टू अ डॉक्टर, डोंट रिलाय ऑन एनी अदर थिंग. यस, गो टू अ डॉक्टर. आपको गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं आजकल बहुत सारी जो इसमें आपको बहुत हेल्प करती हैं. आई वुड सजेस्ट आप प्राइवेट के पास भी जा सकते हो, अदरवाइज यू कैन गो टू एनी ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज. वो आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा. इसके लिए काफ़ी सारे अवेयरनेस के हॉस्पिटल्स हैं विच रियली हेल्प. एंड मोर ओवर इसमें कैसा होता है, देर आर लाइक यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटिज्म. माइल्डर होता है कुछ, माइल्ड के अलावा स्ट्रॉन्ग होते हैं या फिर एकदम एक्सट्रीम केसेज होते हैं, तो वो आपको पता चलेगा डॉक्टर के पास जा कर के. इसलिए इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोला जाता है. Even Einstein was an autistic patient. Einstein, who is such a great scientist, was an autistic person. So उसको जो था वो Asperger syndrome बोलते हैं, जिसमें communication में problem होती है, ज़्यादा mingling up नहीं होता है. और actually एक चीज़ जो आपको बहुत, एक चीज़ में ही आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, जैसे आपको अगर कार पसंद है तो यू विल बी मैड फॉर कार, यू विल बी मैड फॉर वन थिंग विच यू एक्चुअली बिकम्स योर पैशन. So it could also be a sign of autism. So that is a good thing, of course. So इसलिए बोलते हैं ना ज़्यादा intelligent मतलब आप थोड़े से पागल हो गए. दो वो पहले के ज़माने में बोला जाता है these child are very very talented. They have a sharp mind. They are very intelligent and
दे आर गॉड गिफ्टेड, वो कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं लाइफ में, मे बी इसके लिए. वो आपको डिपेंड करता है कि वो आपका बच्चा माइल्ड में है या फिर एक्सट्रीम में है, वॉट एवर आई मीन स्पेक्ट्रम में है, वो आपको पता चलेगा डॉक्टर के पास जाकर के. सो गो टू अ डॉक्टर इफ़ यू सी एनी ऑफ दीज साइन. कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, आई कॉन्टैक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, फिजिकली उसको प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है. ADHD इज़ अ डिफरेंट थिंग, वील टॉक अबाउट इन सम अदर वीडियो. या फिर आपका बच्चा इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इनमें से कोई भी चीज़ें हैं. इफ़ यू सी अ डिले इन स्पीच एज वेल, इफ़ यू सी देयर वुड बी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ दीज, गो टू अ डॉक्टर. कॉजेज ऑफ ऑटिज्म इज नॉट नोन. कुछ लोग बोलते हैं जेनेटिक्स से है, मे बी पहले के जेनेटिक्स से चला रहा है बच्चा. कई कई बोला जाता है कि अगर आपके पापा ने या मम्मा ने, जो भी मतलब चाइल्ड के मम्मा या पापा हैं, लेट बोले होंगे तो इसलिए बच्चा लेट बोल रहा है. जनरली लड़के लेट बोलते हैं लोग की. दिस इज़ अ परसेप्शन, बट डोंट गो विद दैट. इफ देयर इज़ अ डिले इन द स्पीच, प्लीज़ गो टू अ डॉक्टर. यू विल गेट टू नो अबाउट द चाइल्ड, उसके बिहेवियर से ही पता चलेगा, वो अपने ही वर्ल्ड में रहना चाहता है. तो ऑटिज़म इज़ नॉट अ वेरी हार्ड, लेकिन वो बोलते हैं ना बहुत डरा के रखा है. ऑटिज़म इज़ नॉट डिफिकल्ट थिंग टू कोप अप विद, विद परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एंड विद द फेथ यू कैन गेट अ फुल क्योर अबाउट इट. सो नेवर लूज़ होप. इट इज़ बीइंग सेड कि वो लाइफ टाइम रहता है, बट बहुत सारे केसेज में देखा गया है बच्चे बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं. तो यू हैव टू हैव दैट फेथ कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक होगा. एंड वो ठीक है बिकॉज ही इज़ जस्ट लिटिल डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन एल्स, ही इज़ नॉट इल. ये आपको मानना पड़ेगा. एंड ट्रीटमेंट इसका होता है, जैसे एज आई टोल्ड कि आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं तो आपको सजेस्ट करेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए. अगर बच्चा आपका बहुत हाइपर एक्टिव है, बिहेवियर थेरेपीज होता है, स्पीच थेरेपी होती है, तो ये सारा कुछ आपको सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स. अलॉन्ग विद डैट, अगर हाइपर एक्टिव है या बहुत कुछ चीज़ों में मतलब मेडिकल डायग्नोसिस में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो दे माइट बी केस कि वो आपको आपके बच्चे को मेडिसिन भी दें. तो जनरली वो हाइपर एक्टिव बच्चों में होता है, तो उसके लिए हाइपर एक्टिविटी कम करें सो डैट बच्चा किसी चीज़ पर कंसनट्रेट करे, और तब हम उसको अच्छे से फोकस करके सिखा सकते हैं. मेरे और भी वीडियोज़ हैं जो आपको ऊपर आई टैब में दिखेंगे, या फिर मैं आपको लिंक में भी मतलब डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी सारे लिंक, जिसमें आप कैसे वो थेरेपीज़ वगैरह जो मैं अपने बच्चों के लिए ले रही हूँ, बच्चे के लिए ले रही हूँ, वो भी आपको दिखेगा कि मैंने किस तरह से घर में उसको अलग अलग और भी गेम्स सिखाए हैं अलॉन्ग विद दिस थेरेपीज. इट इज़ रियली रियली वेरी हेल्पफुल. आई वुड सजेस्ट कि आप डोंट गेट स्केयर्ड अबाउट इट. एक्चुअली एक्सेप्टेंस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एज अ पेरेंट, क्योंकि बच्चा मेरा ठीक नहीं है ये सुनना किसी को भी पसंद नहीं आता. पर विद एक्सेप्टेंस कम्स लॉट ऑफ ईज इन टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड. डोंट एक्सपेक्ट अ मिराकुलस रिजल्ट इन दी थेरेपीज एज वेल, इट टेक्स टाइम. और बच्चे से भी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करिए अगर कुछ प्रॉब्लम है तो. सो एज ऑफ नाउ आई विल टेक अ लीव, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सी यू सून.